तो दोस्त प्रिपरेशन फेलोइलकर का नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। तो फिनकेलस्टाइन रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट के रूप में क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को लेंगे और रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड को लेंगे। यहाँ पर रिएजेंट हो गया मेरा सोडियम आयोडाइड और सॉल्वेंट के रूप में डराया हुआ एसीटोन लेंगे। सुनो जानते दोस्त तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में ड्राई एसीटोन को लेंगे। ड्राई एसीटोन का मतलब ये दो छूछे लिक्विड मतलब ओनली लिक्विड सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में एसीटोन का। अब देखिए दोस्त सोडियम मेटल है क्लोरीन मेटल है तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ बच गया अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडाइड ये बन गया आपका अल्काइल आयोडाइड। इसी कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आयोडो एल्केन। अब देखिए दोस्त सोडियम मेटल है ब्रोमीन नॉन मेटल है तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम ब्रोमीन को हटा दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ बच गया अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडाइड तो ये बन गया आपका दोस्त अल्काइल आयोडाइड। इसी का यूपिक नेम हो गया आयोडो एल्केन। अल्काइल क्लोराइड था तो अल्काइल क्लोराइड ले लिए यहाँ अल्काइल ब्रोमाइड था और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड यहाँ पर भी दो सोडियम आयोडाइड। देखिए दोस्त इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे। जब क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसके लैंग्वेज देखिए दोस्त व्हेन क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन इज रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन देन आयोडो एल्केन इज फॉर्म। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को याद करने का देखती दोस्त एक हॉट ट्रिक देते हैं आपको। हॉट ट्रिक का आपको दोस्त कल बरही से नाई बाबा आएंगे ड्राई एसीटोन लाएंगे और राय देकर जाएंगे। तो इस तरह दोस्त एक सेकंड में फिनकेलस्टाइन रिएक्शन क्या हो देखा था। ये हो गया आपका दोस्त जनरल रिएक्शन। अब हम लोग इसका जनरल एग्जांपल पढ़ते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त अल्काइल ब्रोमाइड चाहे अल्काइल क्लोराइड आप ले सकते हैं। मान लीजिए दोस्त दो कार्बन का क्लोराइड ले रहे हैं CH3 CH2 Cl और रिएजेंट के रूप में ले लिए सोडियम आयोडाइड को और सॉल्वेंट के रूप में ले लिए हम ड्राया हुआ एसीटोन। देखिए दोस्त सोडियम मेटल है क्लोरीन नॉन मेटल है तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम क्लोरीन को हटा दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये इथाइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडाइड तो बन गया इथाइल आयोडाइड CH3 CH2 आई। इसके कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आयोडो इथेन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आयोडो इथेन। यहाँ पर क्लोराइड था तो क्लोराइड लिख दिया यहाँ रिएजेंट तो सोडियम आयोडाइड और इस ग्रुप का यूपेक नेम हो गया क्लोरो इथेन यहाँ पर लिख दिया क्लोरो इथेन। तो जब क्लोरो इथेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडो इथेन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए उस क्लोरो इथेन को हम लोग इथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो जब इथाइल क्लोराइड लेते हैं दोस्त तो इथाइल आयोडाइड बनता है। अगर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेंगे ना तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा
और अगर यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे ना तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। अब एक दो साइक्लिक चेन के एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको दोस्त पांच कार्बन का साइक्लिक चेन और ये हो गया साइक्लोपेंटाइल ग्रुप और यहाँ पर लग गया ब्रोमाइड। रिएजेंट के रूप में ले लिए सोडियम आयोडाइड को और सॉल्वेंट के रूप में लेंगे दोस्त डराया हुआ एसीटोन। तो सोडियम मेटल है, ब्रोमिनन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम ब्रोमीन को हटा दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ बच गए साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल में जुड़ गया आयोडाइड तो बन जाएगा साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड। ये बन गया आपका दो साइक्लो पेंटाइल आयोडाइड। अब देखिए दोस्त रिएजेंट सोडियम आयोडाइड था तो सोडियम आयोडाइड लिख दिए, यहाँ पर आपका साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड था तो जब साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन आपका फिन केलेस्टाइन रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में फिन केलेस्टाइन रिएक्शन खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मानसू कुमार कहते हैं।